नमस्कार दोस्तों, बहुत दिनों से मैं एक टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था जो कि आज के दिन में बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई रोबोट, एआई प्रोग्राम इंसानों को आने वाले टाइम में ख़त्म कर देगा या नहीं। तो इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे रिसर्च किया हमारी टीम ने और हमने मिलकर, और कुछ हैक्स निकल कर आए हैं, कुछ ट्रू निकल कर आए हैं जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो शायद अगर आप समझो तो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए कि आने वाले टाइम में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, इसकी वजह से लोगों की ज़िंदगियां कितनी ज़्यादा बदलने वाली हैं और कितने ज़्यादा लोग जॉबलेस होने वाले हैं। बहुत सारे इंटरव्यू में अगर पूछा गया एआई से कि क्या इंसानों को ख़त्म कर देगा, तो एआई ने डायरेक्ट कहा कि हाँ, अगर हमें इंसानों ने पूर्ण रूप से अच्छे से बना दिया तो हम इंसानों को पूर्ण रूप से ख़त्म कर देंगे या फिर उन्हें गुलाम बना लेंगे। तो ऐसे में एआई से बचने के लिए क्या क्या उपाय है, आज हम पूरी तरह से उस पर बात करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, ये काम कैसे करता है, ये बना किससे है, कितना पावरफुल है और क्या ये इंसानों को ख़त्म कर देगा। इन्हीं पांच छह टॉपिक पे हम बात करेंगे। सबसे पहले एआई बना कैसे और ये बनता कैसे है। बेसिकली एआई मशीन लर्निंग और डेटा साइंस के कॉम्बिनेशन से बनता है, यानी कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसको हम एक एबंडेंस ऑफ डेटा से जो है मिला देते हैं, जैसे कि हमारे पास दुनिया में कितने लोग हैं इसका एक डेटा है और हम एआई को दे दें तो इंसानी माइंड उसको याद करने में चाहे हो सकता है 400, 500, 600 साल लगाए, लेकिन एआई को याद रखना बहुत ही आसान है, बहुत ही जल्दी इन सब डेटा को एआई याद रख सकता है। यानी कि एआई इंसानों के माइंड से बिलियन टाइम जो है ज़्यादा पावरफुल है, और इसी मशीन लर्निंग और डेटा से जो बनके एआई तैयार होता है उसके बाद में इसकी अलग अलग वैरायटीज़ होती हैं। ये एक तो सॉफ्टवेयर के रूप में आता है, दूसरा हार्डवेयर के रूप में आता है। तो डेटा साइंस और मशीन लर्निंग को मिलाकर जब ये बनाया जाता है तो उसके बाद में इसे कई तरह से रिक्रिएट करके एक प्रोग्राम बनाया जाता है या फिर एक रोबोट बनाया जाता है। अब बात करते हैं कि ये कितना पावरफुल है, एआई कितना पावरफुल है। एआई की अगर पावर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा है। अगर हमारे हाथ में एक स्मार्टफोन से लेकर एक जेसीबी मशीन तक में एआई का यूज़ हो रहा है, आप ये समझ लो कि अगर आपको जेसीबी से एक टेबल को हिलाना हो या फिर एक पेड़ को हिलाना हो, आपको उतना ही वक्त लगेगा। आप थोड़ा सा ही बल लगाओगे और वो एक टेबल को हिला सकता है और एक पेड़ को उसी बल से गिरा सकता है, इतना ज़्यादा पावरफुल है। जो काम इंसान कई हज़ार इंसान मिलकर करते थे, आज एआई अकेले उन सब कामों को कर दे रहा है और रिप्लेस कर दे रहा है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल है। फॉर एग्जांपल्स के लिए कि आप 2000 साल पहले जब आप कस्टमर केयर के पास कॉल लगाते थे किसी भी, चाहे टेलीकॉम कंपनी में या फिर किसी अदर संस्था में, तो वहाँ पे बहुत सारे कस्टमर्स मैनेज होते थे, कस्टमर सपोर्ट होते थे, लेकिन आज के समय में ऐसा नहीं है। आज के समय में एआई ने सबको रिप्लेस कर दिया, सबको चेंज करके आज वो वहाँ पे है। आप कोई भी कॉल लगाओ तो वो सीधा जाके सुनता है और आपको आपकी प्रॉब्लम को के अनुसार वो सोल्यूशन दे देता है, इतना ज़्यादा एआई पावरफुल है। अब बात करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता क्या है और इसका यूज़ किन किन क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा है। देखो, अगर बात किया जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो इसका यूज़ हर क्षेत्र में आज हो चुका है। चाहे आप हेल्थ केयर में ले लें, चाहे आप जो है बिजनेस में ले लें, चाहे आप सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ले लें, किसी भी इंडस्ट्री की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडवांस हो चुका है। अभी कुछ इंटरव्यू हो रहा था और एआई से, तो आज हेल्थ केयर में सबसे बड़ा उसका योगदान है। आप उसके थ्रू जो मशीनें वर्क करते हैं, जो बॉडी के फ्रैक्चर्स होते हैं या फिर बॉडी के ऑर्गन्स को, बॉडी के ब्लड को, बॉडी के हार्ट को या फिर बॉडी के किसी भी पार्ट को देखने के लिए, समझने के लिए, उसके डेटा निकालने के लिए एआई का यूज़ होता है। और एआई बहुत तेज़ी से जो है वर्क करती है और बहुत तेज़ी से इन सारे डेटा को निकाल कर आपको देती है और आप उसे जो है इंसानों के हेल्थ को सुधारने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक एआई ने बहुत बड़ी मिस्ट्री को सॉल्व किया कि एक हेल्थ केयर में जो होता है, एक कोशिका को दूसरी कोशिका में बनने के लिए बहुत वक्त लगता है, या फिर वैज्ञानिकों को बहुत वक्त लगता था कि इस एक कोशिका से किसी दूसरे शरीर की कोशिका में ट्रांसफ़र करने के लिए इसको कैसे किया जाए या फिर इसमें मैचिंग है या नहीं, तो उसके लिए बहुत सारे डेटा को एनालाइज करना पड़ता था। लेकिन जब से एआई आया है,
ये सेकंडों में बिलियंस ऑफ डेटा में से निकाल के बता देता है कि ये कोशिका जो है इसमें फिट होगी। तो इतना ज़्यादा आसान हो चुका है। बिजनेस की फील्ड में अगर देखें तो AI बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। आप बिजनेस में, चाहे सॉफ्टवेयर की इंडस्ट्री में हो, चाहे वो ऑटोमेशन की इंडस्ट्री में हो, चाहे हार्डवेयर रोबोटिक इंडस्ट्री में, आज देख रहे हो हर काम रोबोटिक हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो AI का यूज़ आने वाले टाइम में हर जगह होने वाला है, कंपनियों में होने वाला है, जहाँ आज हेल्पर के रूप में जो है वो इंसान काम करते हैं, आने वाले टाइम में जो है वो रोबोट काम करेंगे। और बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है होटल्स हैं जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट वहाँ पे काम करते हैं। जापान में ऐसे कई सारे होटल्स हैं जहाँ पे इंसानों का कोई महत्व ही नहीं, वहाँ पे इंसान है ही नहीं उस होटल में। आप जाओ, आपको रोबोट मिलेंगे, रिसेप्शन में मिलेंगे, आपको हर जगह जो है रोबोट मिलेंगे। तो बहुत यूज़ है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है AI, और आने वाले टाइम में बहुत कुछ बदल जाएगा। और क्या ये इंसानों को ख़त्म कर देगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। देखो 2012 में एक सर्वे हुआ, फेसबुक ने जो है एक दो रोबोट को आपस में बैठाया और उनसे कहा कि आप बात करो, और एक गेम उनके सामने रख दिया गया, आप उसको सॉल्व करो। तो वो सॉल्व तो कर रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिकली उन्होंने जो है अपना एक नया लैंग्वेज डेवलप कर लिया, वो दूसरे भाषा में बात करने लगे। और वो उसको अभी भी डिकोड नहीं किया गया कि डिकोड करने में असफल है एक वैज्ञानिक कि किस भाषा में बात किए। कुछ हद तक उसमें डिकोड किया गया तो पाया गया कि उसमें पूछ रहे थे कि क्या हम इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं, तो दूसरा बोला हाँ हम इंसानों को ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह से जो है हुआ, ऐसे जापान में 5-6 रोबोट बनाए गए जिसमें से एक ने इंसानों को मार दिया। तो बहुत ज़्यादा खतरा होने वाला है। तो ऐसे में हमारी टेक्नोलॉजी को पूरे वर्ल्ड लेवल पे जो चल रही ऑर्गेनाइजेशन से, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि रोबोट जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रहे हैं, उसको डेवलप करने का जो तरीका है वो बहुत ही ठीक है, लेकिन हम उसे ऐसी प्रोग्रामिंग सेट करें कि जो नियंत्रण में हो, जिससे कि हमारा लॉस ना हो, हमारे ऊपर हावी ना हो जाए, क्योंकि वो इंसानी माइंड से बिलियन टाइम ज़्यादा पावरफुल है। तो उसको अवॉइड ना करते हुए उसको पूर्ण रूप से एक सुरक्षित तरीका से जो है इस्तेमाल किया जाए फ्यूचर में, तभी जाके इंसानों पे हावी नहीं होगा। और इससे रिलेटेड तो कई सारी मूवियाँ बन चुकी हैं जो ये बताती हैं कि इंसानों को रोबोट जो है वो ख़त्म कर देगा कुछ दिनों के बाद। तो पता नहीं है क्या सही है या गलत, लेकिन जो आंकड़े निकल के आ रहे हैं उसके अनुसार ये सच लगता है कि सचमुच में इंसानों को रोबोट ख़त्म कर देगा, अगर इंसानों ने सही प्रोग्रामिंग नहीं किया, सही तरह से उसका यूज नहीं किया, अगर गलत तरीके से उसमें प्रोग्रामिंग हो गई तो। तो ये था आज का छोटा सा लेसन। अगर इसको आपको अच्छा लगा तो इस पर मैं पूरे डिटेल्स में बात करूँगा, अभी मैंने डिटेल्स में बात नहीं किया। कमेंट करिए कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मैं पूरे डिटेल्स में बताऊँगा कि आर्टिफिशियल आपकी ज़िंदगी में क्या क्या प्रभाव डाल रहा है अभी, और ये आगे चलकर और क्या कर सकता है, आपके लिए कितना फ़ायदेमंद है और दुनिया के लिए कितना फ़ायदेमंद है, इस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। धन्यवाद।